आर्मी कहती थी, हिंदुस्तान की सरकार कहती थी, तुम्हें हम बिना ट्रेनिंग दुश्मन के सामने कभी नहीं खड़ा होने देंगे, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारा आदर करते हैं, हम तुम्हारे खून की रक्षा करना चाहते हैं। बिना ट्रेनिंग हम आपको कभी नहीं भेजेंगे, मर जाएंगे मगर नहीं भेजेंगे। पहला वायदा। दूसरा वायदा, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी। अगर आपको इतनी सी भी चोट लगी, इतनी सी चोट लगी उंगली पे, हम आपकी रक्षा करेंगे, जो भी आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। यह था दूसरा वायदा। तीसरा वायदा, आपने इस देश के लिए अपना पूरी जिंदगी दे दी, पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी, आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए। ठीक है, हम आपको पेंशन देंगे। और जब आप गांव में वापस जाओगे, जब आप गांव में वापस जाओगे, तो हम आपको एक्स सर्विसमैन का कह के हम आपको गांव भेजेंगे, कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो चाहे आप गांव में रहो, जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे, वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया, इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। ये 3 वायदे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी वायु सेना और अपनी नेवी के हर व्यक्ति को देती थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।